आज बात करेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रहते कहाँ पे हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले हम समझते हैं, पहले हम बात कर चुके हैं कि होते क्या हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सिंगल सेल नहीं हो सकते। लाइक जो इसके अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया का, जो सिंगल सेल भी हो सकते हैं ये, और इसमें सिंगल सेल के अंदर बैक्टीरिया आपके आ जाते हैं, एल्गी आपके आ जाते हैं और प्रोटोजोआ आपके आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं और ये क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं यानी कि कई सेल के भी ये बने होते हैं, सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर जैसे कि इसके अंदर भी आ जाती है आपकी एल्गी आ जाती है, जो एल्गी होती है, और इसके अंदर आ जाती है फंगी होती है, तो ये भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सिंगल सेल में भी आ जाते हैं ये, और इसमें जैसे एल्गी हमने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, तो सम एल्गी जो होते हैं, कुछ एल्गी होती हैं सिंगल सेल होती हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इसलिए ये दोनों जगह लिखा है, और यहाँ पे मल्टी सेलुलर में आ जाती है फिर फंगी। तो इस तरह से देखिए, ये जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी होते हैं इनके और मल्टी सेल भी स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये हर तरह के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, तो हर तरह के एनवायरमेंट में ये पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर एनवायरमेंट में इनमें से कोई एक मिलेगा, या ऐसा कह सकते हैं हम, हर एक एनवायरमेंट में कोई ना कोई आपको ये मिलता रहेगा। तो अगर बात करें कि कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड भी है या बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो उन दोनों के बीच में भी ये मिलते हैं हमें। जैसे हमारे जो डिजर्ट हैं, जो रेगिस्तान है, या कि इस तरह के जो हमारे पहाड़ पर्वत हैं, वहां पर भी ये पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पे और कहाँ पे पाए जा सकते हैं, जैसे हमने बात की थी, ये एनिमल्स की बॉडी में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स की बॉडी में ये काफी तरह के पाए जाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी में ये काफी तरह के पाए जाते हैं, जैसे कि हमने बात की थी जो बीमारियां बीमार हमको कर देते हैं, तो एनिमल की बॉडी में भी और ह्यूमन की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारा जैसे फ्रीली कहीं पर भी किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लगभग ये हर जगह पाए जाते हैं, या अगर बाहर नहीं होंगे तो ये बॉडी के अंदर कहीं पे पाए जाते हैं। तो डिफरेंट इनकी कैटेगरीज होती हैं, तो काफी सारी कैटेगरी अगर हम इनको एक ब्रॉडली अगर स्पेसिफाई करें कि लगभग हर एक एनवायरमेंट में हर जगह ये लगभग पाए जाते हैं। तो ये था वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, लगभग हर जगह सिंगल सेल्ड है, मल्टी सेल्ड है, एनवायरमेंट कोई भी इनको चाहिए वहीं पे ये पैदा हो जाते हैं अलग अलग तरह के, और बॉडीज के अंदर भी ये पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।